अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन आयोजन समिति, बुद्ध विहार समन्वय समिति और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षाभूमि के तत्वावधान में अखिल भारतीय पाली भाषा साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर भदंत विनय रखिता महास्तवे रहेंगे। इस आयोजन कार्यक्रम में बालक बालिकाओं के लिए बौद्ध संस्कृति दर्शन रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, साथ ही बौद्ध विरासत प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है। इस अवसर पर बुद्ध विहार समन्वय समिति द्वारा आयोजित गतिविधियों में भाग लेने वाले देशों के 22,000 परीक्षार्थियों ने पाली भाषा संवर्धन परीक्षा दी। इनमें प्रथम 5 परीक्षाओं में उत्तीर्ण 12 अभ्यर्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई। 17-18 फेब्रुवारी 2024 रोजी या देशातल पहिलं अखिल भारतीय पाली साहित्य संमेलन आयोजित केलेलं आहे। बुद्ध धम्मात पाली ही जी भाषा आहे ही अत्यंत प्राचीन अशी भाषा आहे आणि बौद्धकालीन ती भाषेवरील ते सर्व भाषेचा उगम त्या पाली भाषेमधून झालेला होता। तथापि भगवान बुद्धाच्या काळात ही भाषेला राजवैभव प्राप्त होतं, परंतु दुर्दैवाने काही दिवसात ही भाषा लुप्त होत चाललेली होती। या म्हणून पाली भाषेचा गौरव आहे आणि या पाली भाषेमुळे देशाच्या बाहेर बुद्ध तत्वज्ञानाचा जो प्रसार प्रचार झाला तर त्यामुळं भारताचा गौरव वाढला आणि म्हणून आम्ही 2017 पासून बुद्ध विहार समन्वय समितीनं पुढाकार घेऊन आजपर्यंत दर वर्षाला 22,000 लोक परीक्षेला पाली भाषा प्रचार परीक्षेला आम्ही बसवतो। ही त्याची दुसरी पायरी आहे की पाली भाषेच्या बद्दलचा जो इस सम्मेलन में भारत से 500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।